नमस्कार, रीवा के बघेली बुलेटिन में स्वागत है। हम हैं पूजा। रीवा में ही गोपाल सिंह धाकड़ एक और बड़ी कार्रवाई करी, जोने में ही राजभान सिंह स्मारक महाविद्यालय मणिकवार के प्रिंसिपल का ही 5,000 रुपया के रिश्वत ले रंगे हाथ पकड़ लिहिन। जानकारी के लाने बताई गई कि आरोपी डॉक्टर अशोक कुमार पीढ़िया कॉलेज के वृत्त कर्मचारी रामकरण वर्मा से उनका डीए के एरियर और वेतन बढ़ावा के लाने 5,000 रुपया मांगिन थे। बुलेटिन के दूसर खबर महिला अपराध माही रीवा के हालात बताई रही है, जो उनके दिने दिन खराब होत लागी। ताजी घटना आए मनिगवा थाना क्षेत्र माही, जहां एक 4 वर्षीय मासूम का दरिंदा अपने हवस के शिकार बनाए लिहिस। फिलहाल मासूम केर मेडिकल कराबागा, जने माही मासूम के हालत खतरे से बाहर बताई गई है। वहीं पुलिस आरोपी विकास भारती गगेव का गिरफ्तार करके पॉक्सो एक्ट माही मामला दर्ज करी है। बुलेटिन के तीसर खबर हबै रीवा के लापता जिम संचालक के, जो जबलपुर माही रहस्यमय तरीका से गायब हो गए। अपना का बताई कि युवक जबलपुर माही कार खरीदेगे, कार खरीदिन दोस्तन के साथ फोटो खिंचवाइन और यही समय फोन आएगा, जोने माही बात करत करत युवक गायब हो गए। वहीं पुलिस के मुताबिक राम नरेश मिश्रा शेयर मार्केट में घलाए काम करत रहे, उनकर फोटो अब सोशल मीडिया में ही वायरल कीन गए हबे, जोने के बाद भोपाल में लापता के लोकेशन मिली है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल के कानून के मुताबिक गठित नई कमेटी वक्फ मस्जिद फैजुल्ला बख्श मन्नान परिसर माही मोहल्ला तराहटी के चार्ज खातिर कलेक्टर के साथ अपर कलेक्टर और रीवा एसडीएम के आदेश हो चुका है। पीड़ित मोहम्मद अनीस सिटी कोतवाली के कहबा है कि एक लाने 1.5 महीना से चक्कर काट रहे हैं, पर हुजूर तहसीलदार आरपी त्रिपाठी चार्ज नहीं दिवाए रहे। अपनों देखिए पीड़ित का कुछ बताई नहीं। फैजुल्ला मस्जिद के अभी नवगठित जो कमेटी गठित हुई है, आप उसके अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष महोदय के लिए अभी तक चार्ज नहीं दिलाया गया। मुख्य सचिव भोपाल, सीओ भोपाल, वक्फ बोर्ड कमेटी और कलेक्टर साहब और संभागीय कमिश्नर, अपर कलेक्टर और एसडीएम साहब ने क्लियर आदेश किया है, 3-3 बार आदेश किया है तहसीलदार आरपी त्रिपाठी जी के लिए कि आप इनको चार्ज दिलाएं। उन्होंने फ़ोन करके भी बोला, लिखित में भी दिया, मगर तहसीलदार साहब चार्ज नहीं दिलवा रहे। आज आए थे तहसीलदार साहब से मिलने, इनको कलेक्टर महोदय का आदेश था कि इनको मस्जिद में चार्ज दिलाया जाए, और कलेक्टर महोदय ने एसडीएम महोदय को चार्ज दिलवाने का आर्डर किया। अब तहसीलदार साहब जब आते हैं तो मुलाकात ही नहीं होती। बुलेटिन के अगली खबर हवाई मनिगवा से, जहां पीड़ित महेश कुमार सिंह बताएं कि इनके पट्टे के जमीन माही गांव के दबंग दल प्रताप सिंह, जयबीर सिंह और अवधराज सिंह अपने साथिन के साथ मिलके उनके साथ मारपीट करें और जबराई उनके जमीन माही कब्जा करत लाग हमा, जबकि एक रिपोर्ट मनिगवार थाना में दर्ज कराई हमा। देखिए पीड़ित का कुछ बताए नहीं। यहाँ हमारा एक जमीन का विवाद था, जो मैं ज़मीन ख़रीदा हुआ था 24 अगस्त को, मैं उसको रजिस्टर करवाया ज़मीन को गोस्वामी लाल बहादुर सिंह से। वो ग्राम पलिया 352 के रहने वाले हैं, थाना तहसील मनगमा जिला रीवा के निवासी हैं। उनसे मैं 24 अगस्त को रजिस्टर करवाया ज़मीन, जबकि उनका गोस्वामी का पूरा कब्जा था ज़मीन पर। रजिस्टर करवाने के बाद मैं उसमें जो है तो उनके कहे अनुसार गोस्वामी से अपना तारवाड़ी रखा, झोपड़ी बनाया, वहाँ पे रहने लगा। उनमें कुछ गांव के ही निवासी आरोपीगण हैं, जिनका आवेदन में नाम अंकित है। उन्होंने जो है तो आकर हमारा तोड़ फोड़ किया, नुकसान किया। उसकी शिकायत मैं पुलिस चौकी मनकवार में दी, एक बार दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर दोबारा कहने पर उन्होंने आके और राजस्व विभाग का अमला आके वहाँ पर नाप जोख करके उनको हिदायत दिया। देखिए रीवा के तमाम खबर अब बघेली में। नमस्कार।